दी जय माता दी वैष्णो माता जय माता दी वैष्णो माता जय माता शक्ति समन्विते भय विस्त्रहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्कृते शरणागत दीनाथ परात्रण परायणं सर्वस्येति हरे देवी नारायणी नमस्कृते जयंता मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वस्वदा नमस्कृते हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्कृते। पहले तो मैं ये नवरात्रि और रामनवमी के पावन शुभ अवसर पर सभी नगर निवासी और देश निवासियों को अपने दिल के गहराई से मेरे और पुराने बस स्टैंड शिव मंदिर कमेटी की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं और माता रानी से और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं
कि वो अपनी कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर बरसाए रहे और उनका शुभ आशीर्वाद सभी भक्तों पर पड़े। और ये जो नवरात्र के पावन जो शुभ अवसर पिछले 13 तारीख से चल रहा था, आज माता रानी का अष्टमी का दिन है और कल रामनवमी का दिन है। जैसे कि माता रानी ने इन 9 दिन में 9 रूप धारण करके और 9वें दिन में वो दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी। जैसे कि हमारा शास्त्र के हिसाब से कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता उत्तैतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। कहने का अभिप्राय, माता रानी ने इन 9 दिनों में अलग अलग रूप धारण की और अपने भक्तों को कृतार्थ की दर्शन दी। और 9वें दिन में जो है कि अष्टमी के दिन और नवमी के दिन माता जी ने बहुत बड़ा अपने विकराल रूप में दर्शन देके भक्तों को कृतार्थ की थी। तो इसमें जो है कि 9 रात्रों में भक्त लोग अपने अपने घर में शाखाएं बिछते हैं, अखंड ज्योत जलाया जाता है, कलश का स्थापन किया जाता है और अष्टमी के दिन कोई कोई लोग अष्टमी को कोई नवमी के दिन कंजक वगैरह देते, उसके पश्चात जो शाखा को नदी या कोई तालाब में विसर्जन किया जाता है और जो गढ़वी का जो जल है अपने सारे घर में छिटा करके जो है कि घर की जो बुराइयाँ हैं उसको निकाले और घर में सुख शांति आए, इस कामना के साथ वो जल का छिटा करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं दूसरे एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये अभी जो हमारे महामारी फैली हुई है, मैं सभी नगर निवासियों से आग्रह करता हूँ कि कृपया बिना मास्क के न निकले। जब अभी हम न्यूज़ देखते हैं तो आंखें भर आती है कि इतना परेशानी हो रही है। अगर अभी हमारे रजौरी शहर में इतना नहीं है पर दूसरों को देख के भी कुछ होना चाहिए हम लोगों को। पर जो है कि इसमें मैं आग्रह करता हूँ कि और एडमिनिस्ट्रेशन से विशेष करके मैं आग्रह करता हूँ कि वो सख्ती से सख्ती कार्रवाई करे, जो भी आदमी बिना मास्क देखा जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो। धन्यवाद। माँ दुर्गाष्टमी की समस्त देशवासियों को और भारतवासियों को और रजौरी वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और माँ भक्ति से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ भक्ति, ये जो प्राकृतिक आपदा दूसरी बार इस भारत देश में छाई हुई है, हे माँ भक्ति, आपने 9 रूपों से इस प्राकृतिक आपदा को दूर करो और हम सबकी रक्षा करो और विश्व का कल्याण करो और हमारे भारत का कल्याण करो।